पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय वार्षिक परीक्षा की तैयारियों में जुटा हुआ है। वहीं बीए बीएससी की वार्षिक परीक्षा का ऑनलाइन फॉर्म भी भरा जा रहा है। इसके साथ ही अभी पोस्ट ग्रेजुएट की सेमेस्टर परीक्षा चल रही है। ज्ञात हो कि बीते वर्ष विश्वविद्यालय ने लगभग कुल 1,34,000 परीक्षार्थियों को परीक्षा दिलाई थी, जिसमें से केवल 47,000 ही नियमित छात्र छात्राएं रहे, बाकी 87,000 प्राइवेट परीक्षा दिलाई थी। वहीं पीआरओ रविशंकर विश्वविद्यालय के डॉक्टर सुपर्ण सेन गुप्ता का कहना है कि पोस्ट ग्रेजुएट की सेमेस्टर परीक्षा चल रही है, जिसके साथ ही वार्षिक परीक्षा की तैयारी भी चल रही है, जो कि ऑनलाइन फॉर्म सहित सबमिट की जा रही है। वहीं परीक्षार्थियों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में 2 लाख बढ़ने की संभावना है। वहीं नकल रोकने के लिए 3 टीम बनाई गई है, जिन्हें अलग अलग क्षेत्र में जैसे महासमुंद जिले, रायपुर, दुर्ग में नकल पकड़ने के लिए तैयार किया गया है। इस वर्ष पहली बार संपूर्ण परीक्षा के आवेदन ऑनलाइन मंगाए गए हैं। ऐसे छात्र छात्राओं को किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। नहीं, विश्वविद्यालय ने यह निर्णय लिया है कि एडमिशन से लेके परीक्षा परिणाम तक सारा काम अब ऑनलाइन होगा। ऑफलाइन को हमने इस साल से बंद किया हुआ है। सब कुछ चल रहा है स्मूथ। कुछ इक्के दुक्के छुटपुट प्रॉब्लम, देखिए कुछ भी अपन शुरू करते हैं तो थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं, और उसको दूर कर रहे हैं और सब स्मूथ है। ऑनलाइन चल रहा है काम। सेमेस्टर एग्ज़ाम पीजी का हो रहा है, इसलिए साल में 2 बार एग्ज़ाम लेना होता है। सेमेस्टर में 2 बार एग्ज़ाम होगा, तो इसलिए अगर आप मूल्यांकन की बात करें तो डेफिनेटली इस बार 2 लाख के आसपास पहुंचेगा आंकड़ा। हो सकता थोड़ा सा कम हो, एग्जैक्ट तो फॉर्म भरने के बाद ही अपने को पता पड़ेगा, लेकिन ऐसी कोई बाकी दिक्कत नहीं है कोई। अगर अगर कहीं पे सीटिंग अरेंजमेंट में किसी कहीं पे कैपेसिटी कम है तो उसकी व्यवस्था करते हैं, वो सेंटर को दिया जाता है और उसको मॉनिटरिंग भी करते हैं कि वहाँ पे छात्रों को किसी तरह की परेशानी ना हो। बेसिक चीज़ यही है कि स्टूडेंट वहाँ पे ठीक से एग्ज़ाम परीक्षा पेपर लिख सके। देखिए नकल रोकने के लिए जो ट्रेडिशनल व्यवस्था है कि हमारे पास 3 टीम काम करती है, पिछले साल भी था, इस साल भी मेरे ख्याल से वही रहेगा। अगर कुछ देखते हैं, अगर कोई दिक्कत आएगी तो बढ़ा भी सकते हैं टीम, ऐसा नहीं है, लेकिन पिछले कई साल से यही है कि एक महिलाओं की एक एक्सक्लूसिव टीम है, एक महासमुंद और उसके आसपास और उसके आगे का के लिए एक टीम है, और रायपुर से एक टीम बनती है। ध्यान देते हैं कि कोई नकल ना मारे, और फ्लाइंग स्क्वाड है, फ्लाइंग स्क्वाड देखता है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.clips.in।